नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो से शुरू करते हैं यूनिट नंबर 5 को, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट इस टॉपिक पर, चैप्टर नंबर 8, मार्केट अराउंड अस। तो चलिए आगे चलते हैं। एक प्रीमियम बैच स्टार्ट की गई है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा, जो कि PSIR, हिस्ट्री, सोशोलॉजी और जियोग्राफी इन ऑप्शनल्स के लिए है। फ़ीस रखी गई है 2000 रुपये। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नीचे दिया गया है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस लेसन्स नहीं देखे क्लास 6 पर, तो आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। क्लास 7 को भी हम जल्दी फिनिश कर देंगे। मार्केट उसे कहते हैं दोस्तों जहां पर चीज़ों को ख़रीदा बेचा जा सकता है। वीकली मार्केट किसे कहते हैं? फिर वीकली मार्केट एक ऐसी जगह है या ऐसा मार्केट है जो मार्केट वीक में सिर्फ किसी स्पेसिफिक डे के दिन ही काम करता है। इस मार्केट में जनरली शॉप्स परमानेंट नहीं होती, ठीक है, और ट्रेडर सेट करते हैं अपने शॉप को एक दिन के लिए। जनरली ये मॉर्निंग में इसे सेट करते हैं, सेटअप करते हैं, और इवनिंग होते होते क्लोज कर देते हैं, मतलब पैकअप इनका कर लेते हैं वहाँ से, ठीक है। और दूसरे दिन किसी दूसरे शहर, किसी दूसरी जगह जहाँ पर वीकली मार्केट होगा, वहाँ जाकर ये अपना ट्रेड करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वीकली मार्केट में ट्रेड करने वाले हर ट्रेडर ऐसा करे, ठीक है। ज़्यादातर लोग करते हैं, पर देखिए कुछ लोग वो भी होते हैं जो कि कंसिडर कीजिए कि एक ए नाम का शहर है जहाँ पर वीकली मार्केट सेट किया जाता है। अब इसके सराउंडिंग जितना भी एग्रीकल्चर एरिया है, यहाँ पर जो फार्मर कल्टीवेट करते हैं वेजिटेबल को, ये डायरेक्टली आकर सेल करना चाहते हैं वीकली मार्केट में, तो ये रास्ता देखते हैं उस स्पेसिफिक डे का जिस दिन वीकली मार्केट होगा, और ये यहाँ से अपने वेजिटेबल प्रोडक्ट को, मतलब जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ होती है, उन्हें जाकर सेल करते हैं। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ मार्केट है दोस्तों इंडिया में, ठीक है। इंडिया में ऐसे हज़ारों मार्केट है, यहाँ पर लोग आते हैं अपने डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ों को ख़रीदने के लिए। अब हम बात करते हैं शॉप इन द नेबरहुड की। देखिए काफ़ी शॉप्स हमें देखने को मिलती हैं जो कि सेल करती है गुड्स और सर्विसेज को, जो कि हमारे नेबरिंग एरिया में होती है। ये शॉप परमानेंट होती है, ठीक है। इस शॉप में ऐसा नहीं होता कि बस ये एक ही दिन स्पेसिफिक डे को ही ओपन रहेंगे, एक वीक में ऐसा नहीं होता। ये शॉप ओपन रहती है पूरे वीक, ओके। यहाँ पर बायर और सेलर एक दूसरे को पहचानते हैं, ठीक है, एक दूसरे का मतलब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, और क्रेडिट बेस पर भी चीज़ों को ख़रीदा बेचा जा सकता है। मतलब पहले आप परचेस कर लीजिए और बाद में आप पेमेंट कर सकते हो, अगर इन केस आपके पास नहीं हो तो, आपको तो ये पता ही होगा। अब हम बात करेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल की। देखिए ये अर्बन एरियाज़ के मार्केट हैं, ठीक है, अभी ये डेवलप हो रहे हैं। ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि इंडिया में ये अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, अभी भी ये मतलब ग्रोथ के स्टेज में है। ये मल्टी स्टोर है, एयर कंडीशन बिल्डिंग होती है, एक से ज़्यादा शॉप्स होती है हर फ्लोर पे, ठीक है, जिसे मॉल्स कहा जाता है, ठीक है। अर्बन मार्केट में मतलब इन मॉल्स में हम ब्रांडेड एज वेल एज नॉन ब्रांडेड गुड्स को ख़रीद सकते हैं। अब हम बात करेंगे मार्केट चेन की। देखिए एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। प्रोड्यूसर द्वारा जब ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है और कंज्यूमर द्वारा इसे कंज्यूम किया जाता है, इस बीच में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं जहाँ से प्रोडक्ट होके आता है हमारे पास तक, तो उसे हम कहेंगे चेन ऑफ मार्केट। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर, इन्हें भी ट्रेडर कहा जाएगा, ठीक है। तो इसके फर्स्ट स्टेप पर होते हैं, मतलब फर्स्ट इसमें जो ट्रेडर इन्वॉल्व होते हैं उसे होलसेलर कहेंगे, जो कि लार्ज क्वांटिटी में चीज़ों को ख़रीदते हैं, और इनके द्वारा ये रिटेलर तक पहुंचता है जो कि सबसे लास्ट में होते हैं इस चेन में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो लोग टॉप पर हैं इन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होता है एज़ कम्पेयर जो लोग बॉटम में इसमें इन्वॉल्व हैं इन लोगों को। अब हम बात करेंगे मार्केट एवरीवेयर की। देखिए अब हमारे सेलफोन का इस्तेमाल कर ही हम चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं, और ये हमारे घर पर ये डिलीवर की जाने लगी है, ठीक है। तो मार्केट हर जगह पे अब हो चुका है ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट का यूज़ कर हम आसानी से चीज़ों को ख़रीद सकते हैं, और अब तो बेच भी सकते हैं, ठीक है। बाइंग और सेलिंग देखिए दोस्तों अलग अलग तरीके से अब होने लगी है, अलग अलग इसके रास्ते अवेलेबल हैं, नॉट नेसेसरली थ्रू द शॉप इन दी मार्केट। ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट में ही जाइए चीज़ों को ख़रीदने के लिए। लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड दैट वी डोंट यूज़ डायरेक्टली। और काफ़ी ऐसी चीज़ होती है दोस्तों जिनकी खरीदी बिक्री होती है जो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, ठीक है, और अनइक्वल अमाउंट का इसमें इन्वॉल्व होता है, अनइक्वल प्रॉफिट होता है सबको। अब हम मार्केट और इक्वलिटी की बात करेंगे। देखिए दोस्तों वीकली मार्केट की अगर हम बात करें, जिसकी हमने फर्स्ट में
पहले बात की, वहाँ पर जो ट्रेडर होते हैं इन्हें कम प्रॉफिट होता है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों से जो लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में अपना बिजनेस करते हैं। देखिए ये परमानेंट शॉप होती है, ठीक है, इनके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं जैसे टैक्स ऐसा वैसा, पर इन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। देयर आर मेनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड। देखिए इंडिया में काफ़ी लोग वो भी हैं जो कि सस्ते से सस्ती चीज़ को भी खरीद नहीं सकते, ठीक है, और ऐसे भी लोग हैं जो कि शॉपिंग मॉल में महंगे से महंगी चीज़ों को भी खरीदते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये बायर और सेलर पे भी डिपेंड करता है कि उन्हें क्या खरीदना है। वेदर वी कैन बाय और सेल इन दिस डिफरेंट मार्केट डिपेंड अमंग अदर थिंग्स ऑन द मनी दैट वी हैव। तो देखिए पैसे पे सब कुछ डिपेंड करता है, आपको किस मार्केट में जाके कौन सी चीज़ खरीदनी है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वलिटी की बात की गई है दोस्तों, तो हमने बात की मार्केट की, हर मार्केट में मतलब वीकली मार्केट नेबरहुड में जो शॉप्स है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस ये अगर एक ही चीज़ को सेल कर रहे हैं ना तो देखिए इन्हें प्रॉफिट कम ज़्यादा होगा, ठीक है। ये इस पर काफ़ी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है बात करने के, अगर हम उसके और ध्यान दें तब हमें ये समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए अगर आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में जाकर चीज़ों को ख़रीदते हैं तो जनरली हमें वहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें मिलेंगी जो कि महंगी बिकती है, ठीक है। आप जाइए शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में, एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, वहाँ पे आपको मिलेंगे टॉप टेस्ट दाल नाम का एक दाल का प्रोडक्ट, और अगर आप वीकली मार्केट में जाइए एक फार्मर वहाँ पर भी वही दाल बेच रहा है जो दाल आपको उस मॉल में मिलेंगी, पर दोनों के प्राइस में काफ़ी डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वालिटी को यहाँ पर एक तरीके से चैलेंज है, ठीक है, ये इस सिस्टम द्वारा। तो ये लेसन, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे इम्प्रूव करने की, ठीक है, और जल्दी ही जल्द से जल्द मैं अपने आप में अच्छे से चेंजेस लेके आऊँगा और आपको आप इस वीडियोस को अच्छे से इन्जॉय कर सकेंगे और समझ सकेंगे, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और देखिए इसे शेयर भी कर दिया कीजिए, क्योंकि देखिए आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो जो इसे शेयर कर सकते हैं, इनकेस आपको ये लेसन ये एक वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो आप, अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, लाइक या डिसलाइक कर सकते हो और किया कीजिए। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक किया कीजिए, इससे क्या होगा कि नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊँगा ना तब मैं उन बातों का ध्यान रखूँगा जो बातें मिस कर गई है इस वीडियो में, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है किस तरीके से आप हमसे परफॉर्मेंस लेना चाहते हो।